हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बेटा मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत बढ़िया हो गए अपनी पढ़ाई गई। आप लोग बहुत मस्त जगह तरीके से बेटा कर रहे हो। तो जैसा आप लोग पता है कि हम लोग हर वीडियो में पांच पांच क्वेश्चन पढ़ते हैं, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बेटा ये क्वेश्चन आपके प्रीवियस में क्वेश्चन आपके आ चुके हैं, तो इस बार इनके आने की संभावना है। बेटा अब हम टाइम ना वेस्ट करते हुए भाई देखो आप लोग क्या करोगे। आप लोग को पता है आप लोग क्या करना है, पहले वीडियो को पॉज करो। अगर ये सारे क्वेश्चन आपको आते हैं तो आप लोग क्वेश्चन मत देखना, अगर नहीं आते तो क्वेश्चन पढ़ सकते हो। अगर आते होंगे तो अपने आप नया नेक्स्ट सब्जेक्ट अपना पढ़ सकते हो। तो अपने हम पहले क्वेश्चन की यहाँ पर बात करते हैं। यहाँ पर हम लोग आंसर नंबर फर्स्ट यहाँ पर लिखते हैं। तो कह रहा है सॉल्व द इक्वेशन। तो बेटा क्या हो जाएगा, ये पहला क्वेश्चन हम कहाँ से आपका है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से क्वेश्चन आपका यहाँ पर दिया गया है। तो क्वेश्चन कह रहा है हमको दो इक्वेशन यहाँ सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू यहाँ फाइंड करनी है। ठीक है, पहला क्वेश्चन में रखा है एक्स अपान का ए प्लस वाई अपान का बी इक्वल। बेटा हम लोग को ये ए प्लस का बी दे रखा है, इसको इक्वेशन एक मान लो। हमको इक्वेशन सेकंड दे रखा है, सेकंड क्या हो जाएगी, एक्स अपान का ए स्क्वायर प्लस वाई अपान का बी स्क्वायर इक्वल आपको यहाँ पे टू आ जाएगा। ये आपकी इक्वेशन यहाँ पे टू आ जाएगी। भाई देखो इसको हम तभी सॉल्व कर पाएंगे, यहाँ देखो एक्स अपान का ए स्क्वायर लिखा है, एक्स अपान का ए लिखा है, वाई अपान का बी स्क्वायर लिखा है, वाई अपान का भी लिखा हुआ। देखो हम चाहो तो एक्स अपान ए को एक्स एक्स अपान ए स्क्वायर से इक्वल कर लो। तो क्या हो जाएगा, इक्वेशन फर्स्ट को वन अपान ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, या चाहो तो क्या करो इक्वेशन टू को या क्या कर सकते, या हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं कि हम क्या करेंगे बेटा, वाई अपान बी को मतलब इस इक्वेशन फर्स्ट को वन अपान बी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं या वन अपान ए से करेंगे। भाई देखो अगर आप वन अपान ए से करोगे मल्टीप्लाई, तो एक्स अपान एक्स अपान ए स्क्वायर आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल आ जाएगा, कट जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, लिखेंगे लिखेंगे कि इक्वेशन वन मल्टीप्लाई बाई वन अपान ए, आप चाहो वन अपान बी से भी कर सकते हो। तो ये वाला सेकेंड टर्म आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका जाएगा एक्स अपान का ए स्क्वायर जब मल्टीप्लाई करेंगे प्लस क्या आ जाएगा, वाई अपान का ए बी आ जाएगा, इक्वल क्या आ जाएगा, ए प्लस का ए प्लस बी अपान का ए आ जाएगा। हमने क्या किया, इक्वेशन वन को वन अपान ए से डिवाइड कर लिया, ऐसे लिखा जाएगा। अब देखो तो इसको थोड़ा सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा एक्स अपान का ए स्क्वायर प्लस वाई अपान का ए बी इक्वल का हो जाएगा। भाई जब जब इसको सेपरेट करो क्या जाएगा, ये आपका वन आ जाएगा प्लस का बी अपान का ए आ जाएगा अलग अलग करने पर। बड़े कहा जाएगा ये हमारी इक्वेशन मॉडिफाइड इक्वेशन नंबर वन लिखी है, ये इक्वेशन टू लिखी है। तो इसको क्या लिखोगे, एक्स अपान का ए स्क्वायर प्लस वाई अपान का बी स्क्वायर इक्वल टू लिखा है। तो देखो इक्वेशन वन में से इक्वेशन टू को जब माइनस करोगे कहाँ, यहाँ क्या लिखोगे, लिखोगे इक्वेशन वन माइनस इक्वेशन टू। अब बेटा यहाँ देखो जब इक्वेशन माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा, ये साइनस लग जाए तो माइनस 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 हो जाएगा, ये पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, वाई अपान का ए बी माइनस क्या हो जाएगा, वाई अपान का बी स्क्वायर इक्वल लिखा जाएगा वन प्लस का बी माइनस का ए माइनस का टू, यहाँ पर आपका ही हो जाएगा। भाई उधर से वाई पूरा कॉमन ले लो, जब वाई कॉमन लोगे और इनका एलसीएम लोगे तो क्या जाएगा, बी स्क्वायर। तो देखो नीचे भी बी कॉमन मिल रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग क्या क्या करेंगे, वाई अपान का बी, वाई कॉमन लिया गया है और नीचे बी कॉमन ले लोगे तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा वन अपान का ए प्लस क्या बचेगा, वन अपान का बी। इतने में दिक्कत हम लोग को नहीं होनी चाहिए, इतना हम लोग के यहाँ बचा। और यहाँ क्या लग जाएगा, ये यहाँ पे आपका माइनस रहेगा। फिर से इसको करते हैं एक बार, आपको समझ में ब्लैक ब्लैक हो जाता है तो बच्चों को दिक्कत होती है, इसलिए इसको यहाँ से रफ करके फिर से लिखते हैं इसको है। भाई देखो हम लोग क्या करेंगे, ऊपर से वाई कॉमन ले लो और नीचे से बी कॉमन ले लो, अंदर कितना बचेगा, भाई ऊपर से वाई जाएगा तो वन बचेगा, वन अपान का ए बचेगा, हमने माइनस लगा बीच में है, वन अपान का बी बच जाएगा ऐसे। और यहाँ देखो बेटा इनको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का वन माइनस का टू प्लस का वन, तो माइनस का वन तो क्या जाएगा, बी अपान का ए, ये माइनस का वन आ जाएगा। इसके कहानी इधर इधर कहानी देखो, अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका क्या जाएगा, भाई देखो उनका एलसीएम ले लोगे तो वाई अपान का बी ऐसे लिखा रहेगा, और क्या हो जाएगा, बी माइनस का ए अपान का ए बी हो जाएगा। इतने में दिक्कत हम लोग को नहीं चाहिए, और ये क्या हो जाएगा, ये आपका बी माइनस का ए अपान का ए हो जाएगा, ये ए से ए कैंसिल हो जाएगा। ठीक बेटा, ए से ए कैंसिल हो जाएगा और ये पार्ट से पूरा पूरा पार्ट कैंसिल हो जाएगा, तो वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बी इंटू बी बी स्क्वायर जाएगा। तो क्या जाएगा, वाई की वैल्यू बी स्क्वायर आ जाएगा। अब बेटा देखो
वाई की वैल्यू हमको 20 का मिल जाएगी। वाई की वैल्यू हम क्या करेंगे इक्वेशन वन में कहीं पुट कर लो। तो जब जब बेटा इक्वेशन वन में मैं वाई की वैल्यू पुट करोगे तो क्या जाएगा एक्स अपान ए प्लस वाई की जगह आपका 20 करा जाएगा, तो आपका 20 स्क्वायर अपान का बी आ जाएगा, इक्वल क्या लिखा जाएगा आपका ए प्लस का बी यहाँ पे आ जाएगा। तो भाई देखो ये एक बी से एक कट जाएगा बी, तो देखो बेटा यहाँ एक ही बचेगा यहाँ एक बचेगा, तो ये से इनसे पूरा पूरा कट जाएगा, ए का मल्टीप्लाई इनसे कर दो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी एक्स की वैल्यू आपकी बेटा यहाँ पर ए स्क्वायर आ जाएगी। तो वाई की वैल्यू बी स्क्वायर एक्स की वैल्यू ए स्क्वायर यहाँ पर आंसर आ जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अपने हम क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं, पहला क्वेश्चन यहाँ पर रफ करते हैं, इसको हम रफ करते हैं। तो हम लोग यहाँ पर रफ करते हैं, आंसर नंबर हम लोग सेकंड की बात हम बेटा हम लोग यहाँ पर करते हैं और इस वाले क्वेश्चन को भी यहाँ से रफ करते हैं ताकि थोड़ा सा स्पेस हम लोग को यहाँ पर मिल जाएगा। ये बेटा हमारा एनसीईआरटी एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल का सवाल है, कह रहा है इन सर्कल हैविंग रेडियस 5 सेंटीमीटर, तो क्या हो जाएगा ये मान लो आपका सर्कल यहाँ पे हो जाएगा जिसकी रेडियस 5 सेंटीमीटर, ये इसका सेंटर ओ हो जाएगा। तो कह रहे हैं एक कॉर्ड है, क्या हो जाएगा ऐसे ही आपका ये मान लो कॉर्ड आपकी हो जाएगी। तो कह रहे हैं कि ठीक है क्या हो जाएगा इन सर्कल हैविंग रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड कॉर्ड 8 सेंटीमीटर फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट ठीक है टी को ये आपका एक्सटर्नल पॉइंट माने टी यहाँ पे आ जाएगा। टी से आपकी दो टेंजेंट ड्रॉ करी जाती हैं, ड्रॉ टू टेंजेंट टी पी एंड टी क्यू, फाइंड द लेंथ ऑफ टी पी, हमको टी पी की लेंथ यहाँ पर बतानी रहेगी ठीक है। तो बेटा कॉर्ड हो जाएगा ऐसे आपका हो जाएगा ना, और इनको हम लाइन ड्रॉ करोगे ऐसे कुछ ऐसे आपका ऐसे रहेगा ये, और ये आपका मान उधर जाएगा ऐसे, ये आपका ऐसे आ जाएगा। तो ये आपका P हो जाएगा, इधर आपका Q हो जाएगा, ये भी आप कॉर्ड आपके ही आपकी कॉर्ड यहाँ पे हो जाएगी, इसका सेंटर हम लोग यहाँ पे इसका सेंटर O मान लेंगे। तो हमसे कह रहा है कि हमको TP बतानी है, TP कितनी हो जाएगी, तो TP बराबर कितना हो जाएगा TP हमारा क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। अब कह रहा अगर कॉर्ड की लेंथ 8 सेंटीमीटर है तो PQ हमको 8 यहाँ दे रखा है, PQ आपका 8 सेंटीमीटर हो जाएगा, PQ आपकी 8 हो जाएगी, और कह रहे हैं कि इसका रेडियस दे रखा है तो OP क्या हो जाएगी OP हमारी हो जाएगी रेडियस हो जाएगी OP हमारी क्या हो जाएगी बेटा OP हमारी हो जाएगी रेडियस जो कि 5 सेंटीमीटर है, और PQ तो OP कितना हो जाएगा OP हमारा 5 सेंटीमीटर यहाँ पर आ जाएगा, TP आपको यहाँ पर निकालना है। तो बेटा क्या हो जाएंगे हम O को क्या करेंगे O से एक लाइन O को T से मिला देंगे ऐसे, ये जो लाइन होगी ना ये क्या हो जाएगा PQ पर परपेंडिकुलर आपका हो जाएगा जो कि 90 डिग्री आपका हो जाएगा। तो ये एंगल भी आपका 90 डिग्री यहाँ पर आपका ये होगा ठीक है, ये क्या हो जाएगा ये मान लेते L पॉइंट आपका यहाँ पे हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे कि OL परपेंडिकुलर PQ आपका यहाँ पर हो जाएगा। अब ध्यान देना इतने में दिक्कत हमको नहीं चाहिए, हमसे क्या पूछा गया है हमसे ये पूरा निकालने के लिए यहाँ पर बोला गया है ठीक है। तो बेटा अगर हम बात करते हैं दो ट्रायंगल की बात यहाँ कर लेते हैं, तो भाई देखो पहला देखो तो क्या हो जाएगा PQ बराबर अगर आपका 8 सेंटीमीटर दे रखा है तो क्या लिखेंगे PL बराबर आपका LQ हो जाएगा बाई थ्योरम। और सर कौन सी थ्योरम होती है भाई, थ्योरम होती है कि सर्कल के सेंटर से अगर कोई भी आप एल्टीट्यूड ड्रॉ करोगे तो वो क्या हो जाएगा कॉर्ड को इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है कॉर्ड पर ना, क्या हो जाएगा इसलिए क्या हो जाएगा PL बराबर आपका LQ हो जाएगा। तो PL कितना आ जाएगा PL बेटा हमारा 4 सेंटीमीटर यहाँ पर आ जाएगा ठीक, PL हमारा 4 सेंटीमीटर है, और OP कितना दे रखा है OP हमको यहाँ पर OP हमारा कितना हो जाएगा OP हमारा 5 सेंटीमीटर आ जाएगा ठीक है। तो बेटा अगर हम बात करें इन ट्रायंगल POLP क्या हो जाएगा OLP में क्या हो जाएगा एंगल L आपका यहाँ पर 90 डिग्री आ जाएगा ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम
भाई थ्योरम कहती है हाइपोटेनस मतलब क्या हो जाएगा, ओपी का स्क्वायर इक्वल किसके आ जाएगा, ओपी के स्क्वायर आपका इक्वल किसके आ जाएगा, ओवल के स्क्वायर, पी के स्क्वायर प्लस पी एल स्क्वायर मतलब बेस के स्क्वायर आपका यहाँ पे आ जाएगा, इतना आपका यहाँ पर आ जाएगा, इतना आपको आना चाहिए। फिर क्या हो जाएगा, ओपी की वैल्यू 5, 5 का स्क्वायर 25 आ जाएगा, ओएल की वैल्यू हमको निकालनी है यहाँ से, तो ओएल स्क्वायर ऐसे लिखा जाएगा, और पीएल कितना है, पीएल हमारा 4 है, तो 4 का स्क्वायर आपका इधर आ जाएगा, तो कितना जाएगा, ओएल स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 25 माइनस का 4 से जाएगा तो जाएगा 16 आ जाएगा, और 9 बचेगा यहाँ पर ओएल, तो बेटा ओएल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ओएल की वैल्यू हमारी 3 सेंटीमीटर यहाँ पर आ जाएगी, ओवल हमको 3 मिल जाएगा, इतने में दिक्कत हम लोग नहीं कर चाहिए। अब एक थ्योरम क्या होती है, क्या होता है कि एंगल टी क्या हो जाएगा, एंगल टी का जब हाफ करोगे तो वो एंगल ओ पी एल के इक्वल हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, इस वाली ये एंगल इसके हाफ मतलब इसके इक्वल यहाँ पर हो जाएगा। भाई देखो पूरा एंगल टी है तो इसका हाफ इतना हो जाएगा, ये एंगल वन है और इसको एंगल टू मान लो, क्या हो जाएगा, लिख सकते हो एंगल वन बराबर आपका एंगल टू यहाँ पर आ जाएगा। अब देखो हम तो इतना आपको करना पड़ेगा, अब टीपी हमको चाहिए तो बात करेंगे, अगर बात करेंगे हम इन ट्रेंगल, इन ट्रेंगल बेटा बात कर लेते हैं, यहाँ पे हम लोग हैं ओ ट्रेंगल ओ एल पी एंड क्या हो जाएगा, ट्रेंगल ओ एल पी हो जाएगा, फिर आपका ट्रेंगल हो जाएगा ट्रेंगल पी एल टी की बात कर लेंगे। भाई देखो छोटे वाले ट्रेंगल इसमें हम लोग क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पर यूज कर लेंगे, सॉरी दोनों ट्रेंगल को हम सिमिलर यहाँ पर दिखाएंगे तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो आपस में इक्वल हो जाएगा, जब बेटा उनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होगा तो हम यहाँ से टीपी वैल्यू निकाल लेंगे। क्या हो जाएगा भाई देखो, इन दो ट्रेंगल हमने ट्रेंगल ओ एल पी और ट्रेंगल पी एल टी में लिया है, तो इन दो ट्रेंगल में क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा एंगल वन बराबर आपका एंगल टू आ जाएगा, क्योंकि हम ऊपर आपको बता चुके हैं, ध्यान देना एनसीईआरटी एग्जाम्पल वाली बुक में इससे ऊपर वाले सवाल में इसी का डेरिवेशन यहाँ पर कराया गया था, तो मैंने सीधे यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। ये एंगल टी का हाफ एंगल ओ पी एल के बराबर हो जाएगा, अगर हम एंगल टी के हाफ को एंगल वन मानेंगे तो एंगल वन आपका एंगल टू के इक्वल यहाँ पर हो जाएगा। अब देखो एंगल वन आपका एंगल टू के इक्वल हो जाएगा, बेटा ध्यान देना ये दोनों आपस में नबड़ी जाएंगे तो एंगल एल बराबर एंगल एल आपका आ जाएगा, क्या जाएगा ईच 90 डिग्री आपका यहाँ पे हो जाएगा। भाई देखो इधर से भी आपका एंगल 90 हो जाएगा, इधर भी आपका एंगल 90 आपका हो जाएगा। तो देखो किसी भी दो ट्रेंगल में अगर आपका दो एंगल इक्वल दिखा तो क्या बोलेंगे, क्योंकि हो जाएगा आपका ट्रेंगल आपका सिमिलर हो जाएगा, तो ट्रेंगल ओ एल पी सिमिलर ट्रेंगल पी एल टी आ जाएगा। भाई देखो अगर सिमिलर है तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो आपस में इक्वल आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा ओपी अपान का, क्या जाएगा ओपी अपान का पी एल इक्वल किसके आ जाएगा, पी एल अपान का पी एल अपान का एल टी आ जाएगा, ठीक आ जाएगा, ये आ जाएगा ओ एल अपान का ये पी टी आ जाएगा। अब देखो इधर ठीक है, आपको एल टी वन नहीं लेना है, आप क्या ले लो, आप इन दोनों को साथ में यहाँ पर हम लोग ले लेंगे, तो ओ पी बेटा ओ पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ओ पी की वैल्यू आपकी 5 यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है बेटा। पी एल कितना आ जाएगा, पी एल हमारा 4 आ जाएगा, 4 आ जाएगा इक्वल, ठीक है। अब ओ एल कितना आ जाएगा, ओ एल अभी हम कितना में निकालना है, ओ एल हमारा 3 यहाँ पे आ जाएगा, ये आपका 3 रहेगा, प्लस पी टी आपको निकालनी थी तो पी टी ऐसे आपको पी टी लिखी रहेगी, तो पी टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इनका मल्टीप्लाई करोगे तो पी टी इतना सही है ना, हमको पी टी चाहिए, तो पी टी की वैल्यू कितनी यहाँ पे आ जाएगी, पी टी निकालेंगे तो बाकी सब सही देखेगा, सही सब पूरा सब पूरा सही आ गया ना, ओ एल अपान का पी एल इक्वल आपका पी एल अपान का PL अपान का आ जाएगा, PL अपान का LT आ जाएगा, ठीक है। तो LT वाला हमसे कोई मतलब है नहीं, अभी LT वाला हम लोग यहाँ पर सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक, चाहते तो LT वाला भी निकाल सकते फिर के नहीं करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद क्या आ जाएगा आपका OL अपान का और OL अपान का PT आ जाएगा, इतना आपका यहाँ पर आ गया है, ठीक है। तो आपसे क्या बोला गया था, PT निकालना सही तो है, जैसे 3 चौक 12 आ जाएगा, तो 12 बटे 5 ये क्या आ जाएगा, ये बेटा आपकी पीटी यहाँ पर आ जाएगी सेंटीमीटर में, सॉल्व कर लो आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा, तो पीटी कितना मिल जाएगा, 12 अपान का 5 मिल जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आंसर करना आपको समझ में आ गया होगा, अपने हम क्वेश्चन नंबर 3 की यहाँ पर बात करते हैं और इसको यहाँ से रफ करते हैं, क्वेश्चन को इसको यहाँ से हम लोग रफ करते हैं, एक बार देख लें पूरा सही पूरा है इसमें 5 8 5 8 का हाफ 4 आ जाएगा, ये बेटा आपका 4 आ जाएगा, 4 5 ये आपका यहाँ पर 3 आ जाएगा, 4 5 3 आ जाएगा,
कॉन्वेंट लिखाओगे क्या हो जाएगा, कॉन्वेंट सी हमने सही यहाँ पे बेटा लिए हुए, चेक कर लेते हैं एक बार है, ट्रेंगल क्या हो जाएगा ओ ओ हो, यहाँ क्या देखो अब गलती बता हमसे क्या हुई है, यहाँ वही कहेंगे आंसर इतना नहीं आएगा, इतनी बार सवाल करा चुके बेटा है इतना तो नहीं आना चाहिए ना, आंसर तक याद हो जाते हैं। देखो बेटा क्या जाएगा, हम मेरी गलती था कि हमने यहाँ पर ओ एल पी लिया है, नीचे क्या लिखा था, नीचे हमने और गलत जगह ट्रेंगल ओ एल पी, ठीक है सिमिलर हो जाएगा ट्रेंगल पी एल टी के, अब यहाँ सही लिखा गया है, अब इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा ओ एल अपान का क्या जाएगा, ये ओ एल अपान का पी एल आ जाएगा, ये इक्वल क्या जाएगा, ये एल पी अपान का, एल पी अपान का एल टी यहाँ पे आ जाएगा, इक्वल क्या जाएगा ओ पी अपान का पी टी आ जाएगा। अब यहाँ से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, तो अब बेटा जब इसको यहाँ पर लिखोगे तो देखो हमको एल टी वाला चाहिए नहीं तो ओ एल अक्षर इसको हम लोग यहाँ पर साथ ले लेंगे, क्या आ जाएगा तो यहाँ जब साथ लोगे तो ओ एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, ओ एल हमारा तीन यहाँ पर आ जाएगा, तीन आ जाएगा ओके ठीक है, और पी एल कितना आ जाएगा, पी एल बेटा हमारा चार आ जाएगा, ये चार आ जाएगा ठीक। अभी अब यहाँ देखो इधर तो ओ पी कितना आ जाएगा, ओ पी हमारा यहाँ पर फाइव आ जाएगा, आ जाएगा ठीक, और पी टी हमको निकालना, पी टी आपको ऐसे यहाँ लिखा रहेगा, तो ये पाँच चौक बीस, तो पी टी कितना जाएगा बेटा 20 अपान का 3 सेंटीमीटर, अब ये सही मिल रहा है। तो इतना पढ़ाते हैं ना क्वेश्चन तक याद हो जाते हैं तो गलती तुरंत ढूंढ ली जाती है, तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि ये अब जाके सही क्वेश्चन हो जाएगा, हमने गलती पता क्या किया था, हमने इनको आगे पीछे यहाँ पर लिख दिया था, आप लोग ऐसे गलती मत करिएगा वरना आंसर अलग आएगा, तो क्वेश्चन काट पीट के बराबर कर दिया जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर सेकंड नंबर में आ गया होगा, अपने क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात यहाँ पर करते हैं, इसको यहाँ से रफ करते हैं, क्वेश्चन को रफ करते हैं, आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए क्योंकि पेपर का टाइम अब गिने-चुने दिन खाली बचे हुए हैं, और थोड़ा सा अपना अपनी सेहत पर ध्यान रखिएगा, खाने पीने में कंजूसी मत करिए, खाते पीते रहिए ताकि थोड़ी सी बॉडी में दिक्कत ना हो, वरना तबीयत खराब हो जाएगी तो इस समय आप लोग को प्रॉब्लम हो जाएगी, लाइफ का पहला बोर्ड होता है तो थोड़ा सा दिक्कत तो होती ही है फर्स्ट टाइम जब कोई काम करो तो। बड़े क्या हो जाएगा कि क्वेश्चन नंबर थर्ड की हम लोग यहाँ बात करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है द सम ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन बाय शेफाली इन मैथ्स एंड इंग्लिश इन अ क्लास टेस्ट इज 30, कह रहे हैं कि किसी क्या हो जाएगा, एक क्लास में शेफाली हैं, उन्होंने मैथ्स और इंग्लिश में नंबर प्राप्त किए हैं, तो दोनों का नंबर जो उन्होंने ऑब्टेन किए हैं उसका सम उनको दे रखा था, तो हम लोग यहाँ मानेंगे हमको 30 दे रखा, तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, हम लोग यहाँ लिखेंगे लेट द मार्क्स ऑब्टेंड बाई शेफाली, तो अब बड़ा शेफाली की तरफ प्राप्त किए गए मार्क्स हम लोग क्या मानेंगे, मैथ्स में नंबर कितने उसने पाए हैं, उसने एक्स नंबर पाए हैं, और इंग्लिश में नंबर कितने पाए हैं, वाई नंबर पाए, हमने ये माना है कि शेफाली के मैथ्स में एक्स नंबर है, इंग्लिश में उसके वाई नंबर है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि नंबर्स का जो सम है वो कितना हमको 30 दे रखा है, इसको इक्वेशन एक मान लो। अब इनकी सेकंड कंडीशन कह रही है, कह रही है इफ ही सी होगा, ही का हो जाएगा शेफाली है ना, तो सी हो जाएगा यहाँ पर, इफ शी हैड गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथ, मतलब अगर वो मैथ में 2 नंबर ज्यादा पाती, वे पहले नंबर x पाई थी, अब कितने पाएगी, x प्लस का 2 पाएगी, इसको करने लो। फिर कह रहे हैं कि एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, अगर इंग्लिश में 3 नंबर कम पाती, तो पहले इंग्लिश में कितने नंबर उसके थे, y नंबर थे, 3 नंबर कम कर दो तो y माइनस का 3 हो जाएगा, तो कह रहे हैं कि इन इंग्लिश देन द प्रोडक्ट ऑफ हिज मार्क्स, तो क्या हो जाएगा, हर होगा भाई, हर जगह मिसप्रिंट हो गई है, क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा, तब उनके मौजूद भाई अगर वो मैथ में 2 नंबर ज्यादा पाती और इंग्लिश में 3 नंबर कम पाती, तो हमने एक्स में 2 नंबर ऐड कर दिए हैं, वाई में 3 नंबर माइनस कर दिए हैं, तब कह रहे इनका जो मल्टीपल होता वो कितना आपका होता, 210 हो जाएगा, इसका मल्टीपल कितना 210 आपका हो जाएगा, तो कह रहे फाइंड द मार्क्स ऑब्टेन बाय शेफाली इन बोथ सब्जेक्ट, हमको प्राप्त करना एक्स वाई की वैल्यू, हमको वैल्यू यहाँ पर निकालनी है, तो क्या हो जाएगा बेटा यहाँ देखो, तो इनको जब सॉल्व करोगे तो ये इसको जब सॉल्व करोगे तुम्हारा सीन क्या हो जाएगा, यहाँ देखो सॉल्व करेंगे कितना जाएगा, ये आपका
एक्स वाई यहाँ पे आ जाएगा ना, तो ये कितना आ जाएगा माइनस का 3x, ये कितना हो जाएगा, ये कितना आपका हो जाएगा, ये आपका माइनस का प्लस का 2i और माइनस का 6 इक्वल आपका 200, इतना यहाँ पे आ जाएगा। अब देखो जब इसको सॉल्व करोगे तो ये एक्स वाई रहेगा, एक्स वाई तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। तो ये कितना आपका आ जाएगा, ये आपका एक्स वाई, तो ये माइनस का 3x प्लस का 2i इधर जाएगा, तो 216 आपका बेटा यहाँ पर ये हो जाएगा। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसमें क्या करें, हमको बेटा एक्स और वाई हमको सम दे रखा है मैथ में, ये ऐसे नहीं क्वेश्चन होगा, ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है, हम लोग ने इसको लीनियर पे बना करेंगे, थोड़ा लॉन्ग पड़ जाएगा, ऐसे नहीं करना है इसको, समझो। उधर ये माने नहीं था, तो बेटा हम लोग यहाँ क्या करेंगे, हम लोग मानेंगे कि उसके मैथ में शेफाली मैथ में कितने नंबर हैं, भाई देखो उसका मैथ में उसके एक्स नंबर है, तो भाई क्या हो जाएगा, अगर मैथ में उसके एक्स नंबर है और इंग्लिश में क्या मान लो, इंग्लिश में वाई मान लो, तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई इक्वल हम लोग का 30 आ जाएगा। अच्छा वाई की वैल्यू एस के टर्म में क्या निकलेगी, ये आपको हो जाएगा 30 माइनस का एक्स, तो बेटा क्या हो जाएगा, ये आपके मार्क्स यहाँ पे हो जाएंगे, पहला क्या हो जाएगा मैथ में एक्स आ जाएंगे, इंग्लिश में आपका 30 माइनस एक्स, दो आपके मार्क्स यहाँ पर हो जाएंगे। अब देखो इधर भाई क्वेश्चन याद तो होते नहीं है, इंस्टेंट दिमाग चलता है ना, क्वेश्चन रटे तो होते नहीं दिमाग में, इतने भी काबिल नहीं क्वेश्चन है कि हम लोग क्वेश्चन रटता हो, हाँ ये है पता रहता है कि गलती मालूम हो जाती है, इतना पढ़ाए हैं। तो कहना है अगर मैथ्स में दो नंबर, इसके क्या है, अब सेकंड कंडीशन कह रही है कि अगर मैथ्स में इसके दो नंबर बढ़ जाते तो पहले मैथ्स में एक्स नंबर थे, अब क्या हो जाएंगे, एक्स प्लस का 2 नंबर आपके हो जाएंगे, तो कह रहे हैं इसे क्या हो जाएगा इसके, और इंग्लिश में इसके 3 नंबर कम हो जाते, 3 मार्क लेस इन इंग्लिश, इंग्लिश में 3 नंबर इससे कम हो जाते, तो अब 30 माइनस का एक्स नंबर थे, इसमें से 3 नंबर माइनस कर लो, तो इन दोनों का मल्टीपल हमको 210 यहाँ पर दे रखा था क्वेश्चन में, इतना सेकंड क्वेश्चन में इतना कह रहा था, इसको सॉल्व करो तो ये कितना हो जाएगा, अभी हो जाएगा एक्स प्लस का 2 ऐसे लिखा रहेगा, ये कितना आ जाएगा 27 माइनस का एक्स इक्वल हम लोग का 210 आपका यहाँ पे आ जाएगा। अब देखो इनको सॉल्व कर लो तो कितना हो जाएगा, ये आपका 27x आपका आ जाएगा और माइनस का एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 2 × 7 = 14, 14 × 4 हासिल आपका 5 आ जाएगा, 2 × 2 = 4 और कितना जाएगा 2 × 7 = 14 × 4 हासिल आपका 1 यहाँ पे आ जाएगा, इतना 4×1 = 5 आ जाएगा, 27 × 54 ऐसे भी आपका होता है, ये आपका माइनस का 2x आ जाएगा इक्वल आपका 210 आ जाएगा। अब इन सब कोई साइड लेके चले जाओ, एक्स जाएगा तो क्या जाएगा प्लस में आपका स्क्वायर आ जाएगा, अब यहाँ देखो 27x में से 2 जाएगा 25, 25 उसे जाएगा तो माइनस का 25 आपका हो जाएगा, भाई 25x आपका जब दाई हो जाएगा तो माइनस का 25 यहाँ पे हो जाएगा। अब देखो ये आपका 54 अकेले है बचा है, तो 54 उससे आ जाएगा, तो कितना जाएगा प्लस का 210 माइनस का 54 इक्वल 0 आ जाएगा, तो क्या जाएगा लिखा जाएगा, ये आपका एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस का 25x आ जाएगा, और ये प्लस का कितना बचेगा यहाँ पर आपका प्लस का बचेगा, मेरे हिसाब से बचना चाहिए कितना बचेगा 10, देखो 0 में से 4 जाएगा, 10 में से 4 जाएगा 6 बचेगा, यहाँ कितना बचेगा कई ले जाएगा, ठीक है। तो अब 10 में से 5 जाएगा, 10 में से कितना जाएगा 5 बचेगा यहाँ पर, तो आपका यहाँ पर 1 आ जाएगा, इतना यहाँ पर आपका बचेगा, तो ये आपका यहाँ पर इतना ये हो जाना चाहिए, और हो जाएगा इतना ही बचेगा, करके देख लो इधर, क्योंकि बारिश में दिमाग काम नहीं कर रहा। 10 में से 4 जाएगा 6 बचेगा, 10 में 4 जाएगा 6 बचेगा, कैरी ले लोगे, 5 में से 5 जाएगा 5 बचेगा, इतना बचेगा, सही तो है, तुम लोग फालतू में डरा देते हो यार, इतना आपका जाएगा, इनका फैक्टर खाली करना हमको है, 0 जाएगा बेटा इनका मल्टीप्लाई कर लो, इतना आपका जाएगा, तो 156 को हमको ब्रेक करना यहाँ पर है, तब कितना होगा, कितने इधर है 2 7 जा कैरी बना जाएगा, 2 8 जा आपका आ जाएगा, 2 3 जा 2 9 जा 3 1 जा 3 3 जा 13 12 होगा ना, हाँ इसके फैक्टर क्या बन जाएगा, देखो 3 दुनी 6 दुनी 12, तो बेटा यहाँ देखो कितना जाएगा
12 और 13 में जब ऐड करोगे तो आपका माइनस का 25 आ जाएगा। तो इसको हम क्या ब्रेक करेंगे, माइनस का 12x और माइनस का 13x, बस इतना जाएगा 156 इक्वल 0 आ जाएगा। भाई यहाँ से x कॉमन ले लो तो x माइनस का 12 यहाँ बचेगा, यहाँ से माइनस का 13 कॉमन ले लो तो x माइनस का 13 यहाँ बचेगा, माइनस का 13 बचेगा ना। श्योर, आई एम रियली श्योर माइनस का 12 बचेगा यहाँ पर, इतना आ जाएगा। पर दोनों में माइनस 12 कॉमन ले लो, जब माइनस 12 दोनों कॉमन ले लोगे तो अंदर कितना बचेगा, x माइनस का 13 इक्वल क्या जाएगा, ये आपका 0 यहाँ पे आ जाएगा। अब देखो इधर आपका तो आंसर आ गया, इसको हम लोग यहाँ से रफ करते हैं तो क्या जाएगा, देखो जब x माइनस 12 इक्वल 0 करोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आपकी 12 आ जाएगी। आज हाँ बड़ी सवाल इसलिए है कि आज रिलेटिव खास में शादी है, पूरा परिवार वहाँ गया है, हमको भी जाना है, तो अकेले यहाँ पर वीडियो जल्दी जल्दी बना रहे इसीलिए, लेकिन परेशान हो आराम से बताया जाएगा आपको। एक्स वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक एक्स वैल्यू आपके 13 आ जाएगी, दो वैल्यू हो जाएंगी। जब बेटा एक्स वैल्यू 13 रखोगे तो वाई वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो एक्स वैल्यू कितनी आ जाएगी, 13 रखोगे तो वाई वैल्यू कितनी आ जाएगी, वाई वैल्यू हम लोग कितनी आ जाएगी आपकी 17 यहाँ पे आ जाएगी, इतना आपका यहाँ पर ये आ जाएगा। फिर देखो सर ये बेटा एक्स वैल्यू 12 रखोगे तो वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वाई की वैल्यू आपकी 18 यहाँ पर आ जाएगी। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन मेथड आपको समझ में आ गया होगा। अपने हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, इसको यहाँ से रफ करते हैं क्वेश्चन को, इसको यहाँ से रफ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, इसको भी यहाँ से रख, क्वेश्चन को रख करते हैं यहाँ से इसको। तो हम लोग यहाँ से रख कर देते हैं। अब देखो इधर हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की बात हम लोग यहाँ पर करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है फाइंड द मिड टर्म ऑफ एपी, ठीक है, एपी हमको दे रखी है यहाँ पर है। अगर एपी की बात करोगे तो एपी आपको क्या दे रखी है, 6, 13, 20 ऐसे करते करते हमको लास्ट टर्म यहाँ पे दे रखा है। तो बेटा देखो हमसे कह रहा है एपी के मिड टर्म बताओ, इस एपी का मिड टर्म क्या हो जाएगा, इस एपी का मिड टर्म क्या हो जाएगा। पहले बेटा हम नंबर ऑफ टर्म यहाँ फाइंड करेंगे, तो देखो हमको ए दे रखा है यहाँ पर है, ए कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, डी कितना हो जाएगा 13 माइनस का 6 कितना आ जाएगा, ये आपका यहाँ पर डी कितना आ जाएगा 13 में 6 जाएगा कितना बचेगा 7 बचेगा, 7 6 13 आपका होता है, तो डी कितना आ जाएगा, डी हम लोग का यहाँ पर 7 यहाँ पे आ जाएगा। ए डी हमको मालूम हो गया है, बेटा ए एन हमको लास्ट टर्म यहाँ दे रखा है 216 दे रखा है, तो हमको एन निकालना है। बेटा एन निकालने क्या करेंगे, हम लोग एन एन टर्म का फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो एन एन टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस का 1 आपका डी हो जाएगा। अगर ए पी का फर्स्ट टर्म ए हो, कॉमन डिफरेंस डी हो और ए पी में टर्म आपके एन हो जाएगा, तो एन एन टर्म का ये फॉर्मूला आपका यहाँ पर ये हो जाएगा। तो ए एन की वैल्यू हमको 216 यहाँ दे रखी है, ठीक, प्लस ए ए की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा हमको यहाँ पर है, ए की वैल्यू हमको 6 यहाँ दे रखी है, प्लस एन माइनस का 1 और डी की वैल्यू हमको 7 यहाँ दे रखी है, बेटा उस जाएगा तो 216 माइनस का 6 इक्वल एन माइनस का 1 आपका 7 यहाँ पे आ जाएगा। तो ये कितना बचेगा यहाँ पर, यहाँ पर हम लोग का 210 बचेगा, 7 इसके 5 में चला जाएगा, ये एन माइनस का 1 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक, इतना आपका यहाँ पर ये आ जाएगा। तो कट करोगे तो कितना हो जाएगा, एन माइनस का 1 इक्वल कितना आपका आ जाएगा, ये 7 × 7 = 21 आपका आ जाएगा, एन उस जाएगा, एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 30 प्लस का 1, तो एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एन की वैल्यू हम लोग की यहाँ पर 31 यहाँ पे आ जाएगी। अब एन आपके समझ लो बेटा कितने हो जाएंगे, आपके 31 टर्म है, आपके 31 पद होंगे, तो क्या करेंगे हम लोग, भाई 15 15 निकाल दो, 16वां टर्म क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर, ये आपका मिड टर्म हो जाएगा, ठीक है। हमसे देखो बेटा कैसे निकालोगे, देखो इधर अगर 5 टर्म होते हैं, 5 मान लो 5 होते तो 2 इधर निकालते, 2 इधर निकालते, बीच वाला टर्म क्या हो जाता आपका मिड टर्म हो जाएगा, वैसे क्या हो जाएगा 13 आपके ये कितना हो जाएगा, ये आपको यहाँ पर 31 दे रखा है। मिड पॉइंट जो फॉर्मूला यहाँ पर लगाओगे, ये सवाल बेटा देखो सवाल एपी का है,
लेकिन आपको थोड़ा सा मीन, थोड़ा सा आपको मीडियन पता होना चाहिए कि मीडियन कैसे निकालते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा। 32 को जब 2 से डिवाइड करोगे कितना आपका आ जाएगा, 16 आपका आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 16 आपका यहाँ पे आ जाएगा। तो हमको बेटा कितना निकालना है, मिड टर्म क्या हो जाएगा, मिड टर्म ऑफ एपी कितना हो जाएगा, 16 आपका हो जाएगा। ये आपका मिड टर्म है तो हो जाएगा, हमको मिड टर्म की वैल्यू है निकालनी है, ठीक है। तो एन बराबर कितना आपका हो जाएगा, एन बराबर 16 हो जाएगा। ए की वैल्यू आपकी 6 हो जाएगी, डी की वैल्यू कितनी बढ़ा जाएगी, डी की वैल्यू हमारी 7 यहाँ पर हो जाएगी। तो हमको बेटा ए 16 यहाँ निकालना है, तो फॉर्मूला हो जाएगा ए प्लस एन, एन की जगह 16 माइनस का 1, ये आपका डी यहाँ पे आ जाएगा। तो ए 16 आपको ऐसे लिखा जाएगा, ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी, प्लस 16 में से एक जाएगा 15 बचेगा, 15, और डी कितना आ जाएगा, डी हमको यहाँ पर डी 7 दे रखा है, 7 आ जाएगा, ठीक है। तो ये इसको ऐड करो कितना आ जाएगा, 15 छंग कितना आ जाएगा, 105 आएगा, और प्लस कितना आ जाएगा, प्लस का 6 कर लो कितना जाएगा, 111 क्या हो जाएगा। ए पी का जो मिड टर्म होगा वो 16वां टर्म हो जाएगा, और 16वां टर्म कौन सा हो जाएगा बेटा, आपका 111 आपका आ जाएगा। मिड टर्म की वैल्यू आपकी 116 की वैल्यू आपकी यहाँ पर आ जाएगी। ऐसे तो क्वेश्चन बेटा आपका कहाँ का था, क्वेश्चन आपका एपी का था, लेकिन थोड़ा सा आपको मीडियन वाला क्वेश्चन आपको आना चाहिए। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अपने हम लास्ट क्वेश्चन की बात यहाँ पर करते हैं और इस वीडियो का वाइंड अप करेंगे, इसको हम लोग यहाँ से रफ करते हैं, मुझे आपको समझ में आ गया होगा। इसको मैं रफ करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 4th की बात करते हैं हम लोग यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 5th कह रहा है, संवेदन 5th कह रहा है, 5th कह रहा है कि डू द पॉइंट्स, हमको 3 पॉइंट्स दे रखे हैं। तो पहला पॉइंट क्या हो जाएगा, 3,2 आ जाएगा। फिर बी पॉइंट क्या हो जाएगा, माइनस का 2,-3 आ जाएगा। और तीसरा पॉइंट क्या आ जाएगा, 2,3 आ जाएगा। आपसे कह रहा है कि क्या ये तीनों पॉइंट ट्रायंगल फॉर्म करते हैं, अगर ट्रायंगल फॉर्म करते हैं तो देन फाइंड द टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, वो कौन सा ट्रायंगल आपका हो जाएगा। तो भाई देखो मेरी बात सुनो, इसका तरीका यही है, इसे हम ट्रायंगल वाला फॉर्मूला यहाँ पर लगाएंगे। अगर ट्रायंगल का एरिया 0 नहीं आता तो हम बोलेंगे ट्रायंगल फॉर्म करेंगे, उसके बाद हम डिस्टेंस निकाल लेंगे कि कौन सा ट्रायंगल यहाँ पर आपका बनेगा। तो अभी के लिए हम इसको ऐसा फिगर यहाँ पर दिखा सकते हैं कि आपका 3,2 आपका हो जाएगा, ये बी क्या हो जाएगा, माइनस का 2,-3 आ जाएगा, और सी क्या हो जाएगा, 2,3 आ जाएगा। अब बेटा यहाँ देखो तो हम लोग यहाँ लिखेंगे यूजिंग ट्रायंगल, यूजिंग ट्रायंगल फॉर्मूला। तो ट्रायंगल फॉर्मूला क्या होता है, ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, 1/2 x1 क्या जाएगा, y2 माइनस का y3, प्लस क्या जाएगा, ये आपका x2 आ जाएगा, x3 माइनस का x1 आपका आ जाएगा, प्लस क्या जाएगा, x3 आ जाएगा y1 माइनस का y2। ये फॉर्मूला आपको आना चाहिए। तो ये देखो, इसको x1 मान लो, ये आपका हो जाएगा y1, x2 y2, x3 ये आपका y3 हो जाएगा। अब वैल्यू पुट कर लो तो ट्रायंगल के एरिया 1/2 आपको ऐसे लिखा जाएगा बेटा, x1 की जगह कितना जाएगा, 3 आपका आ जाएगा, ओके। y2 माइनस का y3, तो बेटा y2 आपका माइनस का 3 है और y3 आपका 3 लिखा है, ये भी आपका माइनस का 3 हो जाएगा, प्लस का x2 बेटा आपका माइनस का 2 दे रखा है, तो माइनस का 2 आ जाएगा, प्लस y3 कितना दे रखा, y3 बेटा आपका 3 है, y1 आपका 2 दे रखा, तो माइनस का 2 हो जाएगा, प्लस का x3 की वैल्यू आपकी 2 यहाँ दे रखी है, x3 2 आपका हो जाएगा, और y1 आपका 2 दे रखा है, y2 बेटा आपको माइनस का 3, तो प्लस का आपका 3 यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस आपका प्लस यहाँ पे हो जाएगा, क्या आ जाएगा 1/2। इसको सॉल्व करोगे तो 3 आपको ये बेटा ये कितना आपका हो जाएगा, 3 आपका 6 हो जाएगा, तो माइनस का 6 आ जाएगा, और 6 3 18, तो माइनस का 18 हो जाएगा। इधर 2 में 3 में से 2 जाएगा, 1 बचेगा, 1 को जब करोगे तो माइनस का 2 ही रहेगा। ये 5 आएगा, 5 2 10 आपका यहाँ पे आ जाएगा, तो आ जाएगा 1/2 आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, इसको करोगे तो ये माइनस का 20 आ जाएगा, प्लस कटे रह जाएगा, तो बेटा कितना जाएगा, ये करोगे तो माइनस का 10/2
माइनस का 5 आ जाएगा। भाई देखो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या होता है, एरिया कभी भी आपका माइनस नहीं आता है। जब माइनस साइन छोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, प्लस का 5 यूनिट आपका क्या आ जाएगा, ये आपका एरिया आ जाएगा। इट मीन्स क्या हो जाएगा बेटा, ये ट्रायंगल फॉर्म करेगा। भाई जीरो नहीं आना चाहिए, जीरो आपका नहीं चाहिए, जीरो हमारा नहीं आया है, माइनस साइन छोड़ के हम लोग यहाँ प्लस ले लेंगे। अब ध्यान देना बेटा, भाई देखो माइनस साइन क्यों छोड़ा गया है, मान लो ये कार्टेशियन के निगेटिव साइड बना हो तो है ना, पॉइंट से मान लो ये निगेटिव पॉइंट हो तो एरिया तो फॉर्म करेगा करेगा। अगर एरिया फॉर्म करे कौन सा एरिया है, तो भाई देखो तीन आपके हो सकते हैं, या तो आपका क्या हो जाएगा इक्विलेटरल हो जाएगा, या आइसोसेलेस हो जाएगा, या आपका स्केलेन ट्रायंगल आ जाएगा। ठीक है, इस पर हम देखते हैं। तो भाई देखो अगर ए बी के बीच की डिस्टेंस निकालेंगे, भाई देखो अगर ए बी की निकालेंगे डिस्टेंस, तो ए बी जब निकालोगे तो एक्स वन एक्स टू आपका हो जाएगा अंडर रूट, बड़ा डिस्टेंस फॉर्मूला आपको आना चाहिए। अच्छा डिस्टेंस फॉर्मूला होता क्या है, हम लोग यहाँ पर इसको लिखे दे रहे हैं, क्या जाएगा अंडर रूट कहा जाएगा एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। ये बेटा फॉर्मूला हम लोग यहाँ पर अप्लाई करने वाले हैं। तो एक्स टू कितना हो जाएगा, एक्स टू आपका माइनस का टू आ जाएगा, तो माइनस का टू, एक्स वन आपका माइनस का, ये एक्स वन आपका कितना जाएगा थ्री रखा है, तो ये आपका माइनस का थ्री का होल स्क्वायर आपका आ जाएगा, प्लस वाई टू आपका माइनस सीधे रखा है आ जाएगा, ये बेटा माइनस का थ्री आ जाएगा, वाई वन कितना आ जाएगा, ये भी आपका माइनस का टू आपका हो जाएगा, इधर का होल स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा। तो ए बी कितना डिस्टेंस को मिल जाएगी, यहाँ से सॉल्व करोगे ए बी कितना आपका हो जाएगा, भाई देखो कि ये कितना जाएगा माइनस फाइव का स्क्वायर 25, ये भी आपका 25 यहाँ पे आ जाएगा ना, रूट आपका ऐसे लिखा रहेगा, तो आपका 50 आ जाएगा। 50 को हम लोग क्या ले सकते हैं, सॉल्व करोगे तो देखो 50 को 2 × 25 लिखोगे तो 5√2 ये क्या जाएगा, ये हम लोग का यहाँ पर आ जाएगा यूनिट, ये आ जाएगा ये डिस्टेंस बेटा हमारा यहाँ पे आ जाएगा, ये एरिया था, ये एरिया है ना, तो 5 स्क्वायर यूनिट आपका हो जाएगा, एरिया हमेशा स्क्वायर में होता है ना, 5 यूनिट स्क्वायर, ऐसा नहीं होगा 5 यूनिट स्क्वायर, इसको रख करते यार बहुत ही ब्लैक हो गया, ये तो आ जाएगा 5 यूनिट स्क्वायर आपका आ जाएगा, 5 यूनिट स्क्वायर, ये हम लोग का एरिया आ जाएगा, और ये बेटा डिस्टेंस हमारी हो जाएगी। अब ध्यान देना इधर, ठीक है ऐसे बी सी डिस्टेंस निकाल लो, तो बी सी तुम्हारा क्या आ जाएगा, तो बी सी जब निकालोगे तो बी सी का सेम डिस्टेंस ऐसे आपका हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, अब देखो एक्स थ्री माइनस का एक्स टू कर लो, तो देखो माइनस ये 2 आपका हो जाएगा, एक्स थ्री का जाएगा 2 बेटा, और ये कितना जाएगा, ये प्लस का 2 आपका हो जाएगा, इसका स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा, प्लस वाई थ्री माइनस का वाई टू, तो माइनस का 3 और माइनस का 3 प्लस आपका हो जाएगा, तो क्या जाएगा 3 प्लस का 3 आ जाएगा, तो इनको सॉल्व करोगे तो ये 4 का स्क्वायर आपका हो जाएगा, ये 4 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस 3 × 3 = 6, 6 का स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36, आहा कितना जाएगा ये आपका 52 यहाँ पे आ जाएगा, 13 × 52 आपका होता है, तो 13 × 4 कर लो तो 2√13 ये आपका आ जाएगा यूनिट यहाँ पे आ जाएगा, आपका यूनिट यहाँ पर आ जाएगा, बी सी आ जाएगा। तो अभी तक तो दो साइड अलग अलग आई हैं, थर्ड वाली में भी अलग ही आएगी, सब देखा जाएगा। इसको जब सॉल्व करोगे तो ये कितना आपका जाएगा, 3D निकालोगे एरिया, तो सी डी क्यों, डी तो है नहीं, ए सी वाला जाएगा, तो बेटा ए सी की जब डिस्टेंस निकालेंगे हम लोग तो क्या जाएगा एक्स थ्री माइनस का क्या हम लोग क्या करेंगे, एक्स थ्री माइनस का एक्स वन करेंगे, तो देखो 2 और माइनस का 3 आपका आ जाएगा, कितना जाएगा 2 माइनस का 3 आपका हो जाएगा का स्क्वायर, प्लस वाई थ्री माइनस का वाई वन आपका हो जाएगा, वाई थ्री आपका कितना हो जाएगा, ये 3 और जाएगा माइनस का 2 आ जाएगा, तो 3 − 2 इनका स्क्वायर करोगे बेटा, ये माइनस वन का स्क्वायर 1 रहेगा, ठीक है, प्लस 3 1 ये आपका √2 यूनिट रहेगा। वही हम क्या करेंगे, देखो ये कौन सा ट्रायंगल आपका हो जाएगा, स्केलेन ट्रायंगल आपका यहाँ पर ये यूनिट यहाँ पर ही आ जाएगा। अब बेटा हमको बताना है कि भाई देखो मेरी बात सुनो, पहली बात तो ये स्केलेन ट्रायंगल यहाँ पर हो सकता है, लेकिन हम एंगल देखते हैं कि क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल में फॉर्म कर रहा है, नहीं फॉर्म कर रहा है, तो बेटा देखो क्या आ जाएगा, बड़ी वाली साइड का स्क्वायर करो, ठीक,
तो ये कितना जाएगा, बी सी से करोगे तो ये कितना आ जाएगा। भाई देखो बी सी की वैल्यू कितनी आई है, टू रूट माशाल्लाह, हाँ 2√13 आपका यहाँ पे आ जाएगा, ये बी सी की वैल्यू आ जाएगी। तो बेटा जब बी सी का स्क्वायर करोगे तो इसका भी यहाँ पर ये स्क्वायर आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, 13, तो 13 चौको 52 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक बेटा ए सी स्क्वायर करो, ए सी स्क्वायर कर दिया जाएगा, √2 का स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा, तो आपका 2 यहाँ रहेगा यूनिट, यूनिट ये भी क्या हो जाएगा, ये भी आपका यूनिट यहाँ पे रहेगा। अब ए बी का स्क्वायर करो, ए बी 5√2 का स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा, तो 5 का 25 × 2 = 50 आ जाएगा। भाई यहाँ देखो टू साइड का सम मतलब ए सी स्क्वायर और बी सी स्क्वायर का सम, ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर का सम बी सी स्क्वायर के इक्वल है, तो हम क्या बोलेंगे। भाई देखो किसी भी ट्रेंगल में अगर टू साइड के स्क्वायर का सम थर्ड साइड के स्क्वायर के अगर इक्वल है, भाई देखो यहाँ देखो ए सी स्क्वायर किया 2 आया, ए बी स्क्वायर किया 50 आया, 50 × 2 कितना हो जाएगा 50, और 2 कितना जाएगा 52 आपका आ जाएगा। ये थर्ड साइड बी सी स्क्वायर, बी सी स्क्वायर का ये कितना आ रहा है, ये बेटा हमारा 52 आ रहा है, ये दोनों के दो साइड का स्क्वायर का सम थर्ड के इक्वल है, तो इसमें क्या हो जाएगा, हम क्या बोलेंगे कि सर ये आपका क्या, ये बेटा क्या हो जाएगा, ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। तुमको टाइप्स यहाँ पर लिखना हो तो लिखेंगे टाइप्स ऑफ ट्रायंगल का हो जाएगा ये, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल यहाँ क्या आ जाएगा, ये बेटा क्या आ जाएगा राइट एंगल ट्रायंगल का हो जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल आपका यहाँ पर ये होगा। भाई मेरी बात सुनो, इसका लेंथ होगा होगा मतलब ये विषमबाहु त्रिभुज तो होगा होगा, लेकिन ये विषमबाहु समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा स्केलेन ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल आपका होगा, राइट एंगल स्केलेन ट्रायंगल आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा राइट एंगल स्केलेन ट्रायंगल आपका यहाँ हो जाएगा, मतलब विषमबाहु समकोण आपका त्रिभुज ये हो जाएगा। तो ऐसे दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि पांचों क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। दोस्तों अगर दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगे, जो कि पढ़ने वाले फ्रेंड्स हैं उन तक वीडियो शेयर करो ताकि उनको भी इससे प्रॉफिट मिल सके दोस्तों, और वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो ना करो, लेकिन पढ़ाई अच्छे से करो ना, आप लोग अच्छे से पढ़ते रहो, ताकि मैं चाहता हूँ कि कम से कम 2-4 बच्चों के तो मैथ्स में 100 नंबर आने ही चाहिए। जो मैथ्स करें अच्छा लगेगा, सर मेरे आपने पढ़ाए मेरे नंबर अच्छे नंबर आए, तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि ऐसे आप लोग अच्छे से पढ़ते रहेंगे, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लेते हैं कि दोस्तों जय हिंद।